ये है गोपी और ये है किशन। दोनों की शक्लें आपस में मिलती थी, इसी वजह से कभी कभी करता कोई और था और भरता कोई और था। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, पबजी बैन गो, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा, सही कह रहे हो भाई, पबजी बैन गो, हेलो पबजी बैन गो, अमर ने फोन को कहा वे वो। क्या बॉस, नया लिया है? हाँ मस्त है ना, पूरे 50 रुपए का है। अरे मैं इसकी नहीं, ये फोन की बात कर रहा हूँ। तो फिर काफी महंगा भी होगा। हाँ जरा मैं देख सकता हूँ। यार अपुन को भी ऐसा लेने का है। अरे वो बैल सिंह मारेगा। अरे तेरी, अरे यहाँ तो कोई ना है। अरे तेरी, वो मेरा फोन ले गया, पकड़ो उसे, पकड़ो। अरे क्या किशन भाई, सेल्फी ले रहे हो? वैसे भी आज का दिन आपके लिए थोड़ा खराब है। कुछ भी बकवास करता रहता है। साले ने बड़ी जल्दी कपड़े भी बदल लिए। अरे आप लोगों को भी सेल्फी खिंचवानी है, आ जाओ साथ में खींचते हैं। पहले मेकअप तो करवा ले। तेरी सेल्फी की तो यारा रे झूमे ऐसे जैसे बन माना थे मोर। अबे आता हूँ टेकन 3 के प्लेयर, आता हूँ। हाँ बोल, सुबह सुबह काई को नींद हराम कर रेला है, काम बोल बिडू। राम राम गोपी भैया, शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं सेठ अजामत लाल हूँ। तुमने मुझसे 1 महीने पहले 500 रुपए उधार लिए थे, आज मैं उन्हें वापस लेने आया हूँ और लेके जाऊंगा, समझे, हजामत बना के। देखो सेठ हरामी लाल। हजामत लाल। हाँ हजामत लाल, तुमको कोई धोखा हो ला है। अपुन किशन है किशन, और गोपी वो बाजू वाले मकान में रहता है, समझे। ओ माफ करना किशन भैया, अपुन से मेरा मतलब मुझसे गलती हो गई है। ठीक है, आइंदा याद रखने का, ऐसी गलती दोबारा नहीं होने को मांगता। चलो रे उस मकान में चलते हैं। चलो जान छूटी। अरे कौन है भाई? अरे सेठ हजामत लाल जी, आप यहाँ? हाँ 1 महीना हो गया है, आज तो अपने 500 रुपए लिए बगैर नहीं लौटूंगा, हजामत बना के। 500 रुपए? कौन से 500 रुपए? कहीं तुम नशे में तो नहीं हो? देखो 500 रुपए के लिए अपना ईमान खराब मत करो गोपी, सारा गांव जानता है मैं कोई नशा नहीं करता। हुक्का बीड़ी पान तमाकू मजाल है, कभी मुंह से लगाए हो गोपी? ओ तो सेठ मुझे गोपी समझ रहा है, अब सारा खेल समझा मैं। देखो तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है सेठ हजामत लाल, मैं किशन हूँ किशन। ये भी किशन है?
गोपी तो उस बगल वाले मकान में रहता है, समझे? क्या? मगर वो तो किशन का घर है। नहीं, मैं किशन हूँ और अपने पैसे वहीं से जा कर लेना, समझे? समझ गया भैया, समझ गया। सुन रहे हो तुम या वैसे ही खड़े हो? बात अब बढ़ती जा रही है। मेरे ससुर के तुम तो किशन कैसे हो सके? ना जागी में जब उंगली दे दी है तो उंगली टेढ़ी करके भी देख ले। आ समझे? अरे सेठ, तू फिर आ गया। एक बार बोला ना अपन का नाम। किशन है, इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ। बात कुछ ऐसी है, मुझसे एक भूल हुई है। 500 रुपए गोपी से लेने नहीं, उसे 1000 रुपए देने आया था। मैं उसी के घर से ही आ रहा हूँ, मगर कोई दरवाजा ही नहीं खोल रहा। जरा तुम गोपी को बुला दोगे? अरे सेठ हजामत लाल जी, आपको किसने बोला कि वो गोपी का घर है? अरे आप बाहर क्यों खड़े हो, आप अंदर आइए। बस भाई, तू गोपी को बुला दे। अरे सेठ, यही है गोपी का घर, तुमको पहले बोलने का था ना, अपुनिच गोपी है। और 1000 रुपए अपुन के ही निकलते हैं तुम्हारी तरफ। वो 1000 रुपए दे के जाने का, कल से अपुन घर के बाहर अपने नाम की तख्ती भी टांग के रखेगा, समझा? अब उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। क्यों? बताता हूँ, खाता पीता यही है गोपी। अब इससे ही मेरे 500 रुपए तुम दोनों को ही वसूल करने हैं। मैं चलता हूँ हजामत बना के।